अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, अब ये जो इन्वेंटरी की मैंने मिसाल दी थी, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन टू देखा ना, इसमें मैंने इन्वेंटरी की मिसाल दी थी। अगर ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होते तो इन्वेंटरी की जगह इन्वेस्टमेंट आ जाती, लेकिन अगर ये होती इन्वेस्टमेंट इन वो शेयर्स जिसको हमने तय किया हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो फिर इनको फेयर वैल्यू पे अपडेट करके गेन लॉस कहां ले जाना था, और चूंकि हेजिंग का मकसद ही ऑफसेटिंग है तो फिर डेरिवेटिव का गेन लॉस कहां लेके जाना था, वो भी ओसीआई में। दोबारा प्रैक्टिस क्वेश्चन टू जो भी पिछली क्लास में किया था, इसमें इन्वेंटरी था। अब इन्वेंटरी की जगह इन्वेस्टमेंट रख के देखें, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसके साथ भी वही सलूक होता जो इन्वेंटरी के साथ किया था। क्या हेज्ड आइटम को भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है? अच्छा, हेज्ड आइटम जरूरी नहीं कि एसेट हो, वो एक लायबिलिटी भी हो सकती है, वो एक लायबिलिटी भी हो सकती है। हेज्ड आइटम को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है और गेन लॉस कहां लेके जाना है, पीएनएल, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को करना है जो पहले भी कर रहे थे जब मैं डेरिवेटिव स्पेकुलेशन सिखा रहा था, वो वही है, उसको भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है और पीएनएल में लेके जाना है। सब पे ऐसे ही है, लेकिन अगर ये जो हेज्ड आइटम है ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, और वो भी वो जिसके लिए हमने पैदाइश पे कसम खाई थी कि इसको हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे, तो फिर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदल जाएगा। हेज्ड आइटम का गेन लॉस भी कहां जाएगा, ओसीआई में, और डेरिवेटिव का गेन लॉस भी ओसीआई में जाएगा, क्योंकि हमने शेयर्स खरीदे और कल को बेचने हैं तो पता नहीं प्राइस क्या हो। वो तो पीएनएल वाला लॉस नहीं सिक्योर कर देगा। देखो, वो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना कि उसका गेन लॉस कहां जाना है। बिजनेसमैन को ये फिक्र है ना कि पैसे जेब से चले ना जाए, वो तो अकाउंटिंग है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। असल में बिजनेसमैन के लिए क्या कंसर्न है कि चीज मैंने खरीदी है, कल को ये ना हो कि सस्ती बिके, तो वो सस्ते बिकने को सिक्योर करना चाह रहा है। तो वो हेज्ड आइटम जो कोई एसेट है, कोई लायबिलिटी है, कोई इवन के कोई फर्म कमिटमेंट है, फेयर वैल्यू हेजिंग हुई है अगर, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, हेज्ड आइटम को भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करते रहना है और जो गेन लॉस है वो पीएनएल में जाना है। लेकिन अगर ये हेज्ड आइटम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है और हमने क्या तय किया हुआ है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो फिर हेज्ड आइटम भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा और गेन लॉस ओसीआई में जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्री पे आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्री, प्रैक्टिस क्वेश्चन टू था कि हम इन्वेंटरी खरीद चुके थे, अगर इन्वेंटरी अभी ना खरीदी होती, हमने खरीदने का वादा किया होता, ये हो गई फर्म कमिटमेंट। अभी हमने सिर्फ परचेज ऑर्डर दिया है, हेजिंग से हट के बात कर रहा हूं, तो इसकी एंट्री कर लेते होते हैं नहीं ना, मतलब ये कोई एसेट नहीं है, खरीदेगा तो इन्वेंटरी डेबिट होगी, अभी वादे की कोई एंट्री नहीं है। लेकिन अगर हम इस वादे को भी हेज कर रहे हैं तो ये फर्म कमिटमेंट नाम का अकाउंट हमारी बुक्स में आ जाएगा और इसको भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करने लग जाएंगे। ये बात दोबारा सुने, अगर हमने गुड्स खरीद ली और हमें डर है कल को
फिर वही मसला हो रहा है यार, मोबाइल जो कल हो रहा था, हमने अगर गुड्स खरीद ली हुई हैं और उनकी वैल्यू कम या ज्यादा होने से डर रहे हैं, तो ये वो है जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन टू किया है, हम इन्वेंट्री हेजिंग हेज्ड आइटम इसको अपडेट किया करेंगे। लेकिन अगर अभी इन्वेंट्री खरीदी नहीं है, इन्वेंट्री खरीदने का वादा किया है, तो इस वादे की भी हम पहले अकाउंटिंग करते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम इस वादे की भी हेजिंग कर रहे हैं, तो अब ये वादा फर्म कमिटमेंट ये हेज्ड आइटम बन गई और इस वादे की भी फेयर वैल्यू निकला करेगी, और उस वादे की फेयर वैल्यू निकलेगी तो जाहिर है उसको डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वो वादा डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्री देख लें और उसका सॉल्यूशन भी देख लें। जी जी जी, डिफरेंस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्री देख लें और उसका सॉल्यूशन भी देख लें।
हाँ जी डन डन के नहीं समझाऊं या समझ आ गया? सब और भी दे देता हूं। हमने मशीन खरीदी नहीं है, अगर मशीन खरीद ली होती बल्कि मशीन की नहीं मिसाल सही इन्वेंटरी, अगर इन्वेंटरी खरीद ली होती तो प्रैक्टिस क्वेश्चन टू बन जाता कि हमें उसकी कल को वैल्यू चेंज होने से डर लग रहा है क्योंकि कल को हमने बेचनी है। तो इन्वेंटरी खरीदी होती लेट से 15 मिलियन की, तो 15 मिलियन इन्वेंटरी डेबिट कैश क्रेडिट, फिर उस इन्वेंटरी को हम फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करते और जो चेंज आया करता इन्वेंटरी और डेबिट कर देते। पहले इन्वेंटरी डेबिट की होती, कैश क्रेडिट किया होता लेट से 15 मिलियन, फिर ईयर एंड पे इसमें 2 मिलियन का इजाफा हो जाता तो हम इन्वेंटरी और डेबिट कर देते। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन टू में किया था। अब हमने इन्वेंटरी खरीदी नहीं है, जब खरीदी नहीं है तो ये नहीं हुआ, लेकिन वादा कर चुके हैं। वादा क्या कर चुके हैं कि हमने इन्वेंटरी खरीदनी है, इन अदर वर्ड्स हमने पैसे देने हैं। अब जब पैसे देने हैं तो पैसे देना हमारी कमिटमेंट हो गई ना, तो पैसे देने की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है कैसे, जैसे वो डॉलर का रेट चेंज हो रहा है। तो हमने पैसे देने हैं, अभी लायबिलिटी नहीं बनाई हुई लेकिन वादा है, फर्म कमिटमेंट है। तो अगर अब जो पैसे देने हैं उसका हमें लॉस होता नजर आ रहा है कि ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो हम फर्म कमिटमेंट नाम की एक लायबिलिटी बना लेंगे, जितने पैसे देने पड़ेंगे नहीं जितने एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो हम एक लायबिलिटी बना लेंगे और पी एंड एल डेबिट हो जाएगा। तो फर्म कमिटमेंट एक हैश्ड आइटम बन जाएगी और इसकी भी फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड होगी। तो अब हर डॉलर रेट चेंज होने से हमें नजर आ रहा है कि 9 मिलियन ज्यादा देना पड़ेगा, तो उस 9 मिलियन ज्यादा देना पड़ेगा को फर्म कमिटमेंट नाम की लायबिलिटी बनाई और पी एंड एल डेबिट कर दिया। फेयर वैल्यू हेज नोट्स में अब बता दिया हुआ है सारा, एक नजर गुजार के देख लें ताकि कुछ पूछना है तो। फेयर वैल्यू हैज डन। और अब आप आइए क्वेश्चन नंबर, बल्कि हां नोट्स पे वापस आए, एक चीज देख लें। फेयर वैल्यू हैज में जहां फेयर वैल्यू हैज बताया हुआ मैंने, उसमें एक ब्रैकेट में मिसाल लिखी हुई है, ये क्या है? अगर हमने कुछ लोन लिए हुए हैं या दिए हुए हैं, लिया हुआ है या दिया हुआ है, और वो फिक्स्ड रेट लोन है। फिक्स्ड रेट लोन से मुराद ये है कि हमने 17% पे लोन लिया हुआ है। अब मार्केट में काइबोर जो भी हो हमें तो 17% ही देना है ना, ये फिक्स्ड रेट लोन है। इसी को उलट कर लें, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स में, तो रिपोर्टिंग में तो ये बात पता नहीं मुझे याद नहीं, शायद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में की हुई है शायद शायद, इसकी जो मार्केट वैल्यू निकाली जाती है ना, हाँ मेरा ख्याल है की हुई है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। इस डिबेंचर की जो मार्केट वैल्यू निकलती है वो ऐसे निकलती है कि मार्केट में बैठे इन्वेस्टर अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे इनकी डिस्काउंटिंग करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज, और जो आंसर आता है वो
इन डिबेंचर्स की वैल्यू लग रही होती है। तो अगर मार्केट में रेट्स चेंज हो रहे हैं लेकिन इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट 17% ही मिलना है तो इसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। ये है हमारा फिक्स्ड रेट डेट और मार्केट में डिमांड चेंज होने की वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू चेंज होने को डर के हेज करना चाह रहे हैं तो हम कौन सा हेज करेंगे? फेयर वैल्यू हेज करेंगे। हमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है या हमने बोरो किया हुआ है और वो फिक्स्ड रेट है तो इसकी फेयर वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि मार्केट में लोगों के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम ज्यादा हो रहे होंगे। तो हम इस फेयर वैल्यू को कम ज्यादा होने से डर रहे हैं और उससे हेज करने के लिए हम फेयर वैल्यू हेज कर रहे हैं। दिसंबर 17 अटेम्प्ट में आए, दिसंबर 17 दिसंबर 17 क्वेश्चन नंबर 5 नहीं क्वेश्चन नंबर एक मिनट जून 17 सॉरी जून 17 क्वेश्चन नंबर 5 हाँ जी, पढ़ के समझ कुछ नहीं आया होगा क्योंकि इसमें स्वैप की ट्रांजेक्शन बताई हुई है और स्वैप मैंने आपको सिखाना है। पढ़ लिया तो मैं सॉल्व करता हूं। पढ़ लिया स्वैप समझे, स्वैप क्या होता है? स्वैप ये होता है कि एक कंपनी है जिसने 12 मिलियन बोरो किया हुआ है
एट काइबोर, यानी ये अपने बैंक को 12 मिलियन लोन पे हर साल काइबोर दिया करता है, जितना भी काइबोर होता है 15% 18% 20%, तो ये काइबोर पे किया करता है। एक कंपनी बी है, इत्तफाक से उसने भी 12 मिलियन लोन लिया हुआ है और इसने लोन लिया हुआ है 12% पे। ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, इन्होंने अपने अपने बैंक्स से लोन लिया हुआ है, लेकिन कंपनी ए को लगता है कि उसने काइबोर पे लोन लेके गलती की है। काइबोर ये फ्लोटिंग है, यानी काइबोर चेंज होता जाएगा तो लोन चेंज होता जाएगा, इंटरेस्ट चेंज होता जाएगा सॉरी। इसको लगता है कि उसने काइबोर पे लोन लेके गलती कर ली है, कल को रेट्स ने बढ़ जाना है, इसको फिक्स्ड रेट लेना चाहिए था। कंपनी बी को लगता है कि उसने लोन लेके गलती की है 12%, इसको लगता है कल को रेट्स ने गिर जाना है, इसको लगता है कि इसको वेरिएबल रेट लेना चाहिए था। तो दोनों अपने अपने फैसले पे पछता रहे हैं। दोनों के पास एक हल तो यह है कि ये अपने अपने बैंक के पास वापस जाएं और उनसे कहें जी मुझे ये चेंज करके दें। ये अपने बैंक के पास जाए कहे मुझे ना फिक्स रेट लोन दें आप, ये बैंक के पास वापस जाए कहे जी मुझे वेरिएबल चाहिए, लेकिन इसमें खर्चा पड़ेगा, लोन्स कैंसिल होंगे, फिर दोबारा से होंगे, रीस्केजलिंग होगी, खर्चा पड़ेगा। इन दोनों की मुलाकात करा दी एक और पार्टी ने, नॉर्मली वो भी एक बैंक होता है, और इनको अकल मत ये दी कि तुमने 12 मिलियन पे लोन लिया तो हुआ ही है, जाके वापस करोगे, फिर नया एग्रीमेंट करोगे, टाइम लगेगा, खर्चा पड़ेगा, तुम काइबोर नहीं देना चाहते, तुम फिक्स देना चाहते हो ना। इसको कहा कि तुमने लोन तो लिया ही हुआ है, तुम्हें यही मत कहना कि हर साल तुम्हें फिक्स देना पड़ रहा है, तुम काइबोर देना चाहते हो, तो तुम दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरैप कर लो। अब होगा क्या कि दोनों अपने अपने बैंक्स को जो जो इन्होंने बोरो किया है उस हिसाब से दिया करेंगे इंटरेस्ट। ए क्या दिया करेगा, बी क्या दिया करेगा, हाँ अपने बैंक्स को ये वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ स्वैप इस तरह करेंगे कि ए बी को 12 दिया करेगा। अच्छा 12 क्या दिया करेगा, ये तो मैं प्लस माइनस लिखा हूं रेट को, असल में क्या होगा 12 मिलियन पे 12% लगा के जो आंसर आएगा उतने रुपए देगा, लेकिन मैं बोलने में इस तरह से कर रहा हूं कि 12% देगा, और 20 को काइबोर दिया करेगा जो भी हुआ। ये दोनों आपस में स्वैप कर रहे हैं, और इसकी वो जो बैंक बीच में पड़ा था उसको कुछ फीस भी दी जा सकती है, वो फीस वन टाइम भी हो सकती है, हमेशा की भी हो सकती है। अगर कोई फीस है अगर, तो ये दोनों कुछ फीस भी दे रहे होंगे अगर कोई है तो। अब इस स्वैप का एंड रिजल्ट क्या निकला कि अल्टीमेटली इसकी जेब से 12 जा रहा है और अल्टीमेटली इसकी जेब से काइबोर जा रहा है। ये स्वैप है, स्वैप इन्होंने अपने अपने बैंक्स के साथ जो एग्री किया है वो वैसे ही चलाएंगे, आपस में एक दूसरे से स्विच कर लेंगे। जैसे अगर मुझे मेरी कंपनी की तरफ से सिटी मिली हुई है और मेरे दोस्त को उसकी कंपनी की तरफ से टोयोटा मिली हुई है, तो हम कहते हैं यार तुम सिटी ले लो, मैं टोयोटा ले लेता हूं, अपनी कंपनी को नहीं बताया, हम दोस्तों ने वैसे ही गाड़ी एक दूसरे से बदल ली, ये स्वैप है। इस सवाल में क्या हुआ, इस सवाल में यह हुआ कि पीटीएल ने 900 मिलियन का फाइनेंस टीएफसी इशू किया और 900 मिलियन रुपया रेज किया, और हर क्वार्टर के एंड पे क्या करना है 8% पे किया करना है, 8% तो पर एनम है, हर क्वार्टर के एंड पे 2% पे किया करना है, ठीक है ये है ओरिजिनल। लेकिन इनको ये लगा कि इन्होंने गलती कर ली, कल को रेट्स ने गिर जाना है, इनको वेरिएबल लोन लेना चाहिए था। कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, पीटीएल जिसको लग रहा है कि कल को रेट्स ने गिरना है, उसने स्वैप एग्रीमेंट किया।
कोई पार्टी ढूंढी होगी, किसी ब्रोकर ने इनको कोई पार्टी अरेंज करा के दी, और तय क्या हुआ? अच्छा, पीटीएल ओरिजिनली अपने लोन पे क्या पे कर रहा है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग? ओरिजिनली पहला पैराग्राफ फिक्स्ड, और ये इंटरेस्टेड किस में है? फ्लोटिंग में ना। पीटीएल ओरिजिनली अपने लोन पे क्या पे कर रहा है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग? फिक्स्ड मतलब 8%, तो वो 8% ही है, तो वो फिक्स्ड पे कर रहा है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि फ्लोटिंग होता तो बेहतर था, तो अब वो क्या करेगा, स्वैप करेगा ताकि फ्लोटिंग पे आ जाए। जो इस मिसाल में कंपनी बी है ना, वो पीटीएल है, कि उसने असल में लोन लिया हुआ है फिक्स्ड पे, लेकिन वो इंटरेस्टेड है कि फ्लोटिंग ज्यादा बेहतर है, तो उसने किसी पार्टी से ये अरेंज किया, और अरेंज ये किया कि मैं तुमसे इतना रिसीव किया करूंगा और तुम्हें इतना दे दिया करूंगा। पीटीएल ने एग्री किया, द स्वैप एग्रीमेंट वुड अलाउ पीटीएल टू रिसीव 6.5% ये रिसीव कर लिया करेगा, और उसके बदले जो पे किया करेगा वो उस वक्त का काइबर हुआ करेगा। ये दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। दूसरे पैराग्राफ को पढ़ के देखिए, ये अंग्रेजी समझ आ रही है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये ओरिजिनली 8 दिया करेगा, लेकिन ये हर साल 8 ही दिया करेगा, खुश नहीं है, इसको लगता है कि मैं फ्लोटिंग रेट पे लोन लेता तो ज्यादा बेहतर होता। अब वो किसी पार्टी से स्वैप अरेंज कर रहा है, अपने लैंडर्स को वो 8 ही देगा, लेकिन जो स्वैप किया ना उसने, स्वैप में तय किया कि दूसरी पार्टी, इसने ए से स्वैप किया, ये पीटीएल है, तुम मुझे 6.5 दे दिया करना, मैं तुम्हें काइबर दे दिया करूंगा। इसका तो ये समझ नहीं आया, दोबारा समझा, नहीं आया समझ। इसके पास काइबर नहीं था, कहां से दे दिया इसने? काइबर की पड़ी हुई चीज नहीं है जो वो उठा के दे रहा है। ये ट्रांजेक्शन दोबारा समझे, कंपनी ए ने 12 मिलियन रुपए का लोन लिया हुआ है, जिस पे वो अपने बैंक को हर साल इंटरेस्ट दिया करता है काइबर। काइबर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट होता है, ये पीरियोडिकली रिवाइज हो रहा होता है। अगर 2016 में ये रेट 13% है, तो 2016 में वो अपने बैंक को 13% साल का इंटरेस्ट देगा। अगर 2014 में ये 13 से रिवाइज होकर 17 पे चला गया, तो 2017 के अंदर 17% देगा। फिर अगर 2018 में ये रिवाइज होकर 11% पे चला गया, तो 2018 में वो 11% देगा। ये मतलब है फ्लोटिंग रेट का, कि ये चेंज हुआ करेगा, वेरिएबल भी कहते हैं इसको। इसको खतरा क्या है कि कल को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ ना जाए, तो ये परेशान हो गया कि मुझे गलती कर ली मैंने, कि मैंने फ्लोटिंग रेट पे लोन ले लिया। कंपनी बी को लगता है कि उन्होंने फिक्स्ड रेट पे लोन लेके गलती की है। अच्छा, इन्होंने अपने बैंक से 12% पे लोन लिया है, हर साल कितना इंटरेस्ट देंगे ये? मार्केट में जो मर्जी रेट्स होते रहे, ये कितना देंगे? ये फिक्स्ड है। इसको लगता है कि इसको फ्लोटिंग रेट लोन लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि दोनों अपने अपने बैंक से लोन ले चुके, अब ये फंस चुके हैं। इनको किसी ने मशवरा दिया कि तुम अपने बैंक से जाके फड्डे मत करो, आपस में स्वैप कर लो। अब वो स्वैप क्या है? बैंक ए अपने बैंक को, लेट से ये फॉर द ईयर ये 14% था, तो बैंक ए, कंपनी ए अपने बैंक को कितना पे करेगा? 14%। 14% पे करने का मतलब, कागज पे 14% लिख के दे देगा, क्या मतलब 14% पे करे? लोन अमाउंट इनटू 14% जो पैसा आएगा वो देगा ना, ये मतलब है 14% पे करने का। तो ये अपने बैंक को 14% देगा, ये अपने बैंक को 12% देगा, लेकिन चूंकि ये आपस में स्वैप कर रहे हैं, तो ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें 12 दे देता हूं,
क्या मतलब 12 दे देता हूं अमाउंट का 12% लेके जो पैसे तो मैं दे देता हूं, इसका आउट इसका इनफ्लो हो गया। बी कहता है कि मैं तुम्हें काइबर दे देता हूं, क्या मतलब काइबर दे देता हूं, जो उस वक्त काइबर चल रहा है वो लोन अमाउंट पे मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उतने रुपए दे देगा, तो इसका आउट इसका इन। अब इसका अगर आप नेट रिजल्ट देखें तो इसके पास से 12 गया, 12 आया, काइबर गया, तो इसका नेट रिजल्ट पड़ा कि इसको अल्टीमेटली काइबर देना पड़ रहा है ना, जबकि इसको तो ये ओरिजिनली फ्लोटिंग रेट पे था लेकिन स्वैप के बाद एंड ये फिक्स्ड पोजीशन पे कर गया, ये ओरिजिनली फिक्स्ड पे था लेकिन स्वैप के बाद अल्टीमेटली ये फ्लोटिंग पे शिफ्ट हो गया, ये होता है स्वैप। अब ठीक है, अब आते हैं पीटीएल पे। पीटीएल ने लोन लिया हुआ था जिसपे वो 8% दिया करता था, लेकिन ये खुश नहीं है, इसको लगता है कि फ्लोटिंग ज्यादा बेहतर है। इसने किसी पार्टी से स्वैप अरेंज किया और ये कहा कि ये उस पार्टी से 6.5 लिया करेगा और बदले में इसको काइबोर दिया करेगा। ठीक है, नहीं 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 सेम होना जरूरी नहीं है, बस एक फिक्स्ड परसेंटेज अमाउंट जो भी बनती है वो लेगा और फ्लोटिंग के बराबर जो अमाउंट बनती है वो दिया करेगा। ये इन्होंने स्वैप एग्री कर लिया। ठीक है, ये दूसरे पैराग्राफ में कहानी लिखी हुई है। कहां लिखा हुआ है? वुड पे या वेरिएबल रेट है? नहीं नहीं नहीं, कोई वेरिएबल रेट, काइबोर दिया करेगा वो। ये दोनों बराबर होने जरूरी नहीं है, तो फिर 1.5 कैसे कर रहे हो आप? आप इसका टोटल एंड रिजल्ट बता रहे हो। अच्छा, वो नहीं मैंने पूछा, ये अपने बैंक को देगा, ये स्वैप वाले से लेगा और ये स्वैप वाले को देगा, तो ये उसने स्वैप कर लिया। अभी इतनी बात की थी, मैंने टोटल नहीं पूछा था। ये दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है और उसने काइबोर को नंबर दे दिया कि आप समझें कि इस क्वार्टर में जो काइबोर था ना वो 6.27% था, जैसे मैंने इसको 14 कर दिया ना, तो वो उन्होंने कहा जी 6.27। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो उसका ओरिजिनल लोन है वो एक फिक्स रेट लोन है कि फ्लोटिंग रेट लोन है? तो जब एक फिक्स्ड रेट लोन को हेज कर रहे होते हैं तो वो फेयर वैल्यू हेज होता है। ये मैंने उधर एग्जांपल में वो ब्रैकेट में लिखा हुआ, जब एक फिक्स्ड रेट लोन को हेज कर रहे हैं ना तो वो फेयर वैल्यू हेज है, और जब हम किसी वेरिएबल रेट लोन को हेज कर रहे होंगे तो वो कैश फ्लो हेज होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो बताएं कि ये जो सब ऊपर है इसकी अकाउंटिंग बता दें कि 2016 का जो क्वार्टर है उसमें क्या होगा, और ना सिर्फ करके दिखा दें एक्सप्लेन भी करें, यानी जो कर रहे हैं उसकी अंग्रेजी लिखते जाएं। तो हम इस क्वार्टर में क्या क्या कर रहे होंगे? एक तो हम ये कर रहे होंगे कि जो इस सारी कार्रवाई से हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है, एक तो वो अकाउंट फॉर कर रहे होंगे, फिर उसके अलावा हेज अकाउंटिंग भी कर रहे होंगे। ये फेयर वैल्यू हेज है, ये बात ओके। फिक्स्ड रेट लोन को जब हेज किया जाता है ना तो वो फेयर वैल्यू हेज होता है। असल में जो फिक्स्ड रेट लोन है उसमें क्या ये अनसर्टेनिटी है कि कल को कितना कैश देना पड़ेगा? नहीं है ना, कैश फ्लो हेज नाम से क्या लगता है, क्या हुआ करेगा? कैश फ्लो हेज दूसरा पढ़ाना है मैंने, नाम से क्या लगता है कैश फ्लो हेज क्या होता होगा, जिसमें हमें ये रिस्क होता होगा कि पता नहीं कैश फ्लो क्या होंगे, ये कैश फ्लो हेज होता है। और जिसमें हम ये हेज करना चाह रहे हैं कि पता नहीं वैल्यू कम ज्यादा ना हो जाए, वो फेयर वैल्यू हेज है। तो अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है जो फिक्स रेट लोन है, इसमें कुछ कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी है? नहीं ना, तो फिर इसका कैश फ्लो हेज नहीं हो रहा,
इसका फेयर वैल्यू है जो रहा हाँ, अब हमने ये इन्वेस्ट किया हुआ है या बोरो किया हुआ है तो इसकी फेयर वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हमने तो हर साल 12 ही देना है, लेकिन कभी मार्केट में रेट्स बढ़ रहे होंगे, कभी कम हो रहे होंगे, तो इन्वेस्टर जब इन डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू निकालेगा तो वो कम ज्यादा हो रही होगी, तो वैल्यू में कमी बेशी आ जाएगी ना। इसमें कैश इसमें हमारा जो कैश है क्या उसमें कुछ रिस्क है कि पता नहीं क्या होगा? नहीं है ना। तो कैश फ्लो हैज वहां होता है जहां पर हमें पता नहीं कि कल को कैश फ्लो क्या होगा, तो इसमें कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए इसका कैश फ्लो हैज नहीं है। फिक्स्ड रेट लोन का अगर हम हैज कर रहे हैं तो वो यकीनन उसकी वैल्यू के रिस्क को हैज कर रहे हैं। आप ये लोन है ना, इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हमने किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें कल को 12% मिलना ही मिलना है, इसमें कोई रिस्क वाली बात है? तो हम इसमें क्या हैज करना चाह रहे हैं कि इस डिबेंचर की वैल्यू कहीं गिर ना जाए। हमारा एसेट है, अगर हम नहीं भी बेचना चाह रहे हैं और भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को फेयर वैल्यू पे रखते हैं ना, फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू पे मैयर होता है, हो सकता है मोर्टाइज कॉस्ट पे हो, नहीं तो फेयर वैल्यू पे भी होता है, तो हमें ये रिस्क है ना कि फेयर वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा बुक्स में, बैलेंस शीट डाउन हो जाएगी। बुक्स का नुकसान भी हेज करें, और ये भी हो सकता है कि क्या पता कल को बेचना हो तो भी वैल्यू ही चेंज होने से डर रहे हैं ना, या कल को जो इंटरेस्ट मिलना है उस पर भी रिस्क है। हम वैल्यू चेंज होने से डर रहे हैं ना, कैश तो नहीं ना डर रहे, कैश तो पता है 12% मिलना है, तो इसकी जो हेजिंग हो रही होगी वो फेयर वैल्यू हेज होगा। तो फिक्स्ड रेट लोन का, चाहे वो लोन हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, उसका हेज फेयर वैल्यू हेज होता है। तो हमने इस टीएफसी का जो हेज करना है स्वैप के जरिए, ये स्वैप हेजिंग कर रहे हैं हम, ये जो स्वैप है ना ये हम हेजिंग कर रहे हैं, तो स्वैप का इस्तेमाल हो रहा है हेजिंग के लिए, और ये एक फेयर वैल्यू हेज है। एक्सप्लेन करने को कहा है तो एक तो चूंकि फेयर वैल्यू हेज है तो हमने हेज अकाउंटिंग करनी होगी, और दूसरा ये जो कुछ है इसकी भी एंट्रीज तो होंगी ना, तो पहले तो देखते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या है। एक्चुअली हमें कितना इंटरेस्ट पड़ना है, एक्चुअली $900 million का 8% 3/12 18, ये हमें असल में इंटरेस्ट पड़ना है। स्वैप क्या कर रहे हैं हम, 6.5 लेंगे $900 million का 6.5% 3/12 और काइबोर देंगे, कितना है वो 14.5 और इसके अलावा वो ब्रोकरेज की कमीशन है। अच्छा, वो जो ब्रोकरेज की कमीशन है वो तो स्वैप लेने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, स्वैप लेने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो एक तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉरेन एक्सपेंस बन जाएगी, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉरेन एक्सपेंस बन गई। उसके अलावा इस क्वार्टर का इंटरेस्ट हमें नेट ये कॉस्ट करेगा कितना, 17.5। दोबारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस बनेगी, बन गई, ये एक फेयर वैल्यू हेजिंग कर रहे हैं हम, क्यों, और जो इंटरेस्ट की शक्ल बनेगी वो ये बनेगी। अब आते हैं फेयर वैल्यू हेज में क्या करना है, हेज्ड आइटम यानी लोन, इसको भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है,
और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यानी स्वैप, इसको भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है और ये दिया हुआ है। स्वैप की फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है? दी हुई है। कैसे निकलते हैं स्वैप की फेयर वैल्यू? निकलती है ये जो कल को डिफरेंसेस होंगे ना, इसमें अगर फायदा नजर आ रहा है तो उस सबकी पीवी, यानी अगर अगले दो चार पांच साल तक ये चलना है तो फिर इसकी वैल्यूएशन होगी बकायदा। पीवीज निकलती हैं कि इसमें कितना फायदा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है, वो इसकी फेयर वैल्यू है। तो वो आपको दी हुई है कितनी? 7 पॉइंट लॉस लिखा हुआ है। क्या एंट्री होगी इसकी? पी एंड एल डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। ये हमने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, हेज्ड आइटम उसको भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। हेज्ड आइटम क्या है? 900 मिलियन का लोन, बुक्स में कितना रिकॉर्डेड है? 900 मिलियन। फेयर वैल्यू पे लाना है इसको। फेयर वैल्यू कितनी है? 99। वो तो एक की है ना, टोटल कितनी है? 1000 रुपए फेस वैल्यू है तो 900 मिलियन रुपए कितने डिबेंचर हुए? 1000 से डिवाइड, नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए 992 का एक है, इनटू 992 892.8। इस फेयर वैल्यू पे इसको अपडेट करना है, हेज्ड आइटम को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। गेन लॉस लायबिलिटी है ये, गेन। दोबारा डिस्कशन, चूंकि ये फिक्स्ड रेट लोन है तो उसकी जो हमने स्वैप से हेजिंग की है ये एक फेयर वैल्यू हेज है, इसलिए हम फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग करेंगे। अब वो फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग क्या होगी? ईयर एंड पे हेज्ड आइटम को भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, इसको 892 पे ले आएंगे तो लायबिलिटी कम हो रही है तो गेन, हेज्ड आइटम फेयर वैल्यू पे आ गई। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी फेयर वैल्यू पे लाएंगे, वो दिया हुआ है। पी एंड एल डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 7.29, फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग हो गई। और वैसे इस क्वार्टर के इंटरेस्ट का क्या मामला है? ये है सवाल। इसमें मुश्किल आपको ज्यादा इसलिए लगी है क्योंकि मैंने स्वैप सिखाया। अब अगर स्वैप पहले सिखाया होता तो फिर स्वैप जो सिखाया होता वो सवाल है। अगर आप इस चीज को फिलहाल इग्नोर करें तो फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग की है, हेज इंस्ट्रूमेंट वो भी फेयर वैल्यू पे अपडेट किया और हेज आइटम वो भी फेयर वैल्यू पे अपडेट किया। डेरिवेटिव, स्वैप एक डेरिवेटिव है तो ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये जो हमारा स्वैप का एग्रीमेंट करना है ये हमारा एक डेरिवेटिव है। हमें इसको करने पे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, कितने अरसे तक फायदा रहेगा? स्वैप होता है असल में एक सीरीज के लिए कुछ रेट तय कर लेना, फॉरवर्ड फ्यूचर ये सिंगल ट्रांजैक्शन होती है, स्वैप होता है एक सीरीज के लिए। अब उस सीरीज पे हमें फायदा है ओवरऑल के नुकसान है ये इसकी फेयर वैल्यू बता रही है। ये फेयर वैल्यू निकालनी कैसे है ये हमारा स्कोप नहीं है। फेयर वैल्यू दी हुई है, अब उस फेयर वैल्यू पे हेज्ड आइटम फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। तो इस सवाल में चूंकि स्वैप मैंने साथ सिखाया है तो ये चीज आपके लिए एक नई चीज है क्योंकि मैंने सिखाया अब है, वरना यह सवाल फेयर वैल्यू हेज का सवाल है। और फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग क्या है? हेज्ड आइटम भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी, इन दोनों को फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, जो गेन लॉस होगा वो पेंडल में जाएगा। ये हो गया फेयर वैल्यू हेज। हाय हाय।
ये जो है ना कैश फ्लो हेज, इसका एक सवाल करा रहा हूं, हो सकता है आपको इस सवाल से समझ आ जाए और हो सकता है 15 मिनट में सवाल हो जाए, लेकिन अगर सवाल से नहीं समझ आई तो फिर मुझे एक और सवाल कराना पड़ेगा और आपको नहीं इसको क्योंकि आप तो रिलेटेड पार्टी आप कहेंगे समझ आ गई, उसको समझ आएगी तो तो हो सकता है 15 मिनट में बात खत्म हो जाए, हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है आप समझाने में जैसे ये ज्यादा टाइम लगा समझाने में, तो आधे घंटे का मार्जिन तो रखो। आखिरी लिमिट क्या जानेगी, तो बस 10 बजे उठ के चले जाना, अच्छा नहीं तो वो छोड़ के वापस आ जाएगा चलो वो अगर चला भी जाएगा आप दोनों भी चले जाओगे तो मैं तो रिकॉर्डिंग कराऊंगा ही ना, क्योंकि मैंने तो पूरा करना है। चले कैश फ्लो हेज पे आते हैं। कैश फ्लो हेज में ना मैं आपको सवाल के साथ साथ समझाता हूं, क्योंकि बगैर सवाल के इसको समझना मुश्किल है, तो मैं सवाल के साथ साथ समझाता हूं। आप पढ़ लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें, ये मैं सॉल्व करता जाता हूं और समझाता जाता हूं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी अगर मैं पास की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी कैश फ्लो है जी, क्वेश्चन 1 जैसा ही है, उसपे कोई मशीन थोड़ी खरीदनी थी, क्वेश्चन 1 जैसा इसलिए क्योंकि इसमें फॉरवर्ड है। कैश फ्लो हेज क्या होता है? कैश फ्लो हेज होता है कि जब हमने कल को कैश रिसीव करना है या पे करना है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने डेटर से कल को पैसे लेने हैं तो, और डेटर भी है फॉरेन करेंसी, तो पता नहीं कल को कितना कैश मिले, तो फिक्र क्या हो रही है कि कैश पता नहीं कितना मिले, इस पता नहीं को हम कैश फ्लो हेज से हेज करेंगे। स्पेकुलेशन में तो हम सिर्फ फॉरवर्ड से खेल रहे थे ना, अब वो लिंक हो गया है अपने किसी और एसेट के साथ, तो हमने एक एक्सपोर्ट की भी है, डेटर है हमारा, उस डेटर से रिसीवेबल है, लेकिन चूंकि वो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है तो पता नहीं हमें कल को कितना कैश मिले, तो अब हम कैश से घबरा रहे हैं ना कि वैल्यू से घबरा रहे हैं, तो ये कैश फ्लो है जी हमारा। इसी तरह से इंपोर्ट है और एक क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है, पता नहीं कल को क्या डॉलर का रेट होता है, हमें पता नहीं कितने पैसे वापस करने पड़े, तो हम किस चीज से घबरा रहे हैं? कैश से घबरा रहे हैं ना, कैश फ्लो है जे। लोन लिया हुआ है काइबोर पे, पता नहीं कल को कितना लोन इंटरेस्ट देना पड़े, तो
कैश से घबरा रहे हैं ना, ये इसका कैश फ्लो हेज करेगा। ठीक है, फोरकास्ट, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजेक्शन, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजेक्शन। हमने यकीनन अपना इरादा कर लिया है कि हमने अगले साल या दो महीने छह महीने के बाद कुछ इन्वेंट्री खरीदनी है, इरादा किया, वादा नहीं किया। वादा कर लिया होता तो फर्म कमिटमेंट, इरादा किया है तो हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजेक्शन। तो उसमें फिक्र क्या है कि कल को जब गुड्स खरीदी, अच्छा अभी गुड्स खरीदी नहीं है तो गुड्स की वैल्यू का मसला नहीं है, फिक्र क्या हो रही है कि कल को पैसा जेब से कितना जाता है, तो ये कैश फ्लो है। लेकिन इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी ऐसा हो सकता है कि एक ही रिस्क को फेयर वैल्यू हेज से किया जा रहा हो वर्सेस उसी रिस्क को कैश फ्लो हेज से किया जा रहा हो। ये मैनेजमेंट ने सोचना है, वो जो है ना फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट ने फैसला करना है। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम डर रहे हैं कि कल को कितना कैश आए जाएगा पता नहीं, तो ये कैश फ्लो हेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हेज्ड आइटम क्या है? फर्म कमिटमेंट। फर्म कमिटमेंट क्यों? हमने मशीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फर्म कमिटमेंट है, लेकिन हम इसके लिए कैश फ्लो हेज कर रहे हैं। अच्छा, फर्म कमिटमेंट के लिए पिछले सवाल के अंदर फेयर वैल्यू हेज की थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 में। उसमें फेयर वैल्यू हेज था, अब फिर फर्म कमिटमेंट है लेकिन अब कैश फ्लो हेज है। तो ये जो होता है ना फॉरेन करेंसी वाला, इसके ऊपर आईएस की तरफ से इजाजत है कि आप चाहे तो उसको फेयर वैल्यू हेज कर लें, चाहे कैश फ्लो हेज कर लें। फर्म कमिटमेंट के ऊपर आईएस की तरफ से इजाजत है जहां फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, कि चाहे वो फेयर वैल्यू हेज हो जाए चाहे वो कैश फ्लो हेज हो जाए। वरना वैसे मोटी मोटी बात क्या है कि कोई रिसीवेबल या लायबिलिटी जिसके पैसे कितने आने जाने इस बात से डर रहे हैं तो कैश फ्लो हेज होगा, और अगर हम किसी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होने से डर रहे हैं तो फेयर वैल्यू हेज होगा। फर्म कमिटमेंट ये वेरी कर सकता है, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजेक्शन ये बस कैश फ्लो हेज में ही आता है। आप फेयर वैल्यू हेज की अंग्रेजी पढ़ेंगे ना उसमें हाईली प्रोबेबल ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश फ्लो हेज में है। दोबारा, रिसीवेबल और पेएबल, हम पैसे लेने देने से डर रहे हैं ना, रिसीवेबल और पेएबल कैश फ्लो हेज होगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, लोन्स, इनकी वैल्यू चेंज होने से डर रहे हैं तो फेयर वैल्यू हेज होगा। फर्म कमिटमेंट ये सवाल के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजेक्शन कैश फ्लो हेज होगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 कैश फ्लो हेज। अगर तो अच्छी तरह याद है घंटा डेढ़ पुरानी बात तो फिर तो मैं आगे चलता हूं, नहीं तो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए एक नजर फिर मार लें उस पर। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 का पार्ट ए एक नजर फिर मार लें कि फॉरवर्ड के लिए हमने क्या क्या कैलकुलेशंस की थी, फॉरवर्ड रेट को अगले फॉरवर्ड रेट से कंपेयर किया था, फिर फाइनली आके उसको स्पॉट से कंपेयर किया था, गेन आ रहा था तो फाइनेंशियल एसेट पी एंड एल, लॉस था तो पी एंड एल डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, वो जो वहां पढ़ा दिया था बस अब वो बीच में मिक्स हो रहा है। फेयर वैल्यू हेज में और कैश फ्लो हेज में एक मेन फर्क ये है कि फेयर वैल्यू हेज में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी और हेज्ड आइटम भी फेयर वैल्यू पे अपडेट हो रही थी, कैश फ्लो हेज में सिर्फ और सिर्फ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा, हेज आइटम नहीं। ठीक है, फेयर वैल्यू हेज में हेज्ड आइटम भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी, ये दोनों फेयर वैल्यू पे अपडेट हो रहे थे। कैश फ्लो हेज में हेज्ड आइटम को फेयर वैल्यू पे अपडेट नहीं करना, सिर्फ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को करना है। ठीक है, लेकिन वर्किंग में हेज्ड आइटम का गेन लॉस निकालना जरूर है,
फेयर वैल्यू हैज, हैज आइटम को भी और हैजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी, दोनों को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। कैश फ्लो हैज, हैज आइटम को फेयर वैल्यू पे अपडेट अकाउंट फॉर नहीं करना, बस वर्किंग में कैलकुलेट करना है। लेकिन हैजिंग इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। इसमें टेक्निकल बात यह होती है कि जो फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है किसको, उसका डेबिट क्रेडिट पीएनएल में जाना है कि ओसीआई में जाना है, यह एक टेक्निकल बात है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फेयर वैल्यू हैज, हैज आइटम भी, हैजिंग इंस्ट्रूमेंट भी, दोनों फेयर वैल्यू पे अपडेट होंगे, दोनों अकाउंट फॉर होंगे और उनका गेन पीएनएल में जाएगा, अनलेस के वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला ना हो। लेकिन कैश फ्लो हैज में हैज्ड आइटम पे फेयर वैल्यू गेन लॉस कैलकुलेट करेंगे सिर्फ वर्किंग की हद तक, फेयर वैल्यू अपडेट करेंगे हैजिंग इंस्ट्रूमेंट को, और देखना होगा कि उसमें से कितना पीएनएल में जाना है, कितना ओसीआई में जाना है। ठीक है, करो सवाल। एग्रीमेंट कब किया? फर्स्ट अक्टूबर को। फर्स्ट अक्टूबर को एग्रीमेंट कर लिया और अभी फौरन के फौरन हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। अगर ये फेयर वैल्यू हैज होता तो फिर हमने फर्म कमिटमेंट को भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता, कैश फ्लो में नहीं करना। फर्स्ट नवंबर को क्या एंट्री, फर्स्ट कब किया कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट अक्टूबर को। फर्स्ट अक्टूबर को क्या एंट्री होगी? कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट अक्टूबर को कुछ भी नहीं। अब कहां आए? ईयर एंड पे आते हैं। ईयर एंड पे आ गए। अच्छा, ईयर एंड पे आके ना एंट्री बाद में करता हूं, पहले एक वर्किंग देखें। हेज्ड आइटम को भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी वर्किंग की हद तक फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालना जरूर है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे गेन हुआ है कि लॉस हुआ? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ना, तो इस फॉरवर्ड पे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? हमने फॉरवर्ड क्या किया हुआ था कि स्टर्लिंग उससे खरीदेंगे कि बेचेंगे? खरीदेंगे। हमने स्टर्लिंग खरीदने का वादा किया हुआ है 200 रुपए पे, जबकि 31 दिसंबर पे आके फॉरवर्ड रेट 214 पे चला गया। फायदे में रहे नुकसान में? हमने 200 पे खरीदने का वादा किया ना, रेट बढ़ के 214 हो गया हुआ है, तो हम फायदे में रहे ना। तो हमें फेयर वैल्यू गेन हुआ है ऑन इंस्ट्रूमेंट कितना? 214 माइनस 200, इतना गेन हो गया ना हमें, और कितने? ये कितना हुआ जी? 112। हेज्ड आइटम को भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, करना नहीं है, लेकिन उसका गेन लॉस निकाल के देखना है। अगर आज ही हम कैश पे मशीनरी खरीद लेते तो हमें एक स्टर्लिंग कितने रुपए का पड़ता? 180। फर्स्ट अक्टूबर को हम अगर फर्स्ट अक्टूबर को ही खरीद लेते तो 180 रुपए का स्टर्लिंग होता ना। 3 महीने गुजार दिए हमने, नहीं खरीदी मशीन, स्टर्लिंग 190 का हो गया। हमें इस 3 महीने गुजरने की वजह से अपने फर्म कमिटमेंट के ऊपर फायदा के नुकसान, नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ?
जी कितना नुकसान हुआ? 80। ये दोनों फिगर्स कैलकुलेशन समझ आई? इनमें से अकाउंटिंग किसकी करेंगे हम? इसकी, इसकी अकाउंटिंग नहीं करनी। इन दोनों में से जो लोअर है, लोअर, हम उतनी अमाउंट से एक कैश फ्लो हेज रिजर्व क्रिएट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट पे भी, आइटम पे भी गेन लॉस निकलेगा। हेज आइटम फ्रॉम कमिटमेंट है ना, कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखो हम एक परचेज ऑर्डर दे चुके, कॉन्ट्रैक्ट कर चुके, तो ये फर्म कमिटमेंट हो गई ना। मशीन तो भी है ही नहीं, मशीन तो भी नहीं है, फर्म कमिटमेंट है इसमें। तो जो फर्म कमिटमेंट है वो हमारे पैसे देने की एक जिम्मेदारी बन गई। टाइम गुजारते चले जा रहे हैं, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो नुकसान हो रहा है ना। अकाउंटिंग इसकी करनी है, लेकिन कैलकुलेट दोनों की है। इन दोनों में से जो लोअर है, उस नाम से कैश फ्लो हैज रिजर्व के नाम से एक रिजर्व बनेगा। किस अमाउंट से? इनमें से लोअर। अब आते हैं एंट्री पे। एंट्री किसकी करनी है? एंट्री इसकी करनी है। गेन है, लॉस है, फाइनेंशियल एसेट डेबिट। गेन है तो पीएनएल क्रेडिट करते, इस हद तक ओसीआई में क्रेडिट जाएगा, बाकी है तो पीएनएल में जाएगा। और ओसीआई अकाउंट का नाम यह है, लेकिन साथ ओसीआई जरूर लिखना। कितना? और जो इससे ऊपर है वो पीएनएल में है। ये वर्किंग समझ आई? क्योंकि अगला स्टेप इससे थोड़ा सा और मुश्किल होने वाला लगा, लेकिन कैश फ्लो है जाइए। हो गए 15 मिनट, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। ये इस पे कुछ और पूछना है तो पूछ लें। अच्छा, ईयर एंड आ गया, फेयर वैल्यू गेन लॉस निकाला दोनों का, लेकिन अकाउंट फॉर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट वाला करना है। अच्छा, यहां पर एक सवाल हो सकता है, ये गेन है, ये लॉस है, तो लॉस तो नेगेटिव है, तो दोनों में से लोअर तो नेगेटिव वाला ही होगा ना। पॉजिटिव 112 छोटा है कि -80 छोटा है? -80 छोटा है। -112 छोटा है कि +80 छोटा है? तो हमने ये कंपैरिजन प्लस माइनस हटा के करना है। हमने इनमें से लोअर इन एब्सोल्यूट टर्म्स देखना है। ये अंग्रेजी लिखी हुई है, इन दोनों में से लोअर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना है, प्लस माइनस भूल के। एक बार ये वर्किंग कर ली, एंट्री किसकी करनी है? इंस्ट्रूमेंट वाले की। ये इस हद तक ओसीआई में, बाकी पीएनएल में। अब फाइनली 30 सितंबर का दिन आ गया। 30 सितंबर पे हम अपनी वर्किंग फिर से अपडेट करेंगे, जैसे पहले भी कर रहे थे। 30 सितंबर पे आते हैं। ये जो दोनों फिगर्स निकालनी है ना, ये क्यूम्यूलेटिव निकालनी है। क्यूम्यूलेटिव फॉरवर्ड, हमने शुरू में कितना फॉरवर्ड किया था? 200। इवेंचुअली हमें फायदा हुआ कि नुकसान? कितना? 222 माइनस 200 ना, 22 रुपए का फायदा हुआ क्यूम्युलेटिव। अच्छा, अब आप कहें जी 14 तो पहले लिख दिया तो 8, नहीं, क्यूम्युलेटिव। क्यूम्युलेटिव हमें फेयर वैल्यू गेन हुआ है इंस्ट्रूमेंट पे।
222 माइनस 200 इंटू 8 मिलियन 176। क्यों क्यूमुलेटिव? अगर 1 अक्टूबर को ही खरीद बैठे होते तो कितने पैसे जेब से जाते? आखिरकार कितने गए? 222। तो हमें नुकसान हुआ, फायदा हुआ? ज्यादा पैसे गए जेब से, नुकसान। दो सौ बाईस माइनस 180, 176। यहां तक भी ठीक है। अकाउंटिंग किसकी करनी है? इसकी, इसकी नहीं करनी, इसकी। लेकिन 176 की एंट्री करनी है। एंट्री कितने की करती है? एंट्री तो इसकी करनी है ना, इसी को आगे चला रहा हूं। कितना? और ये बात हमने एंट्री करते हुए देखनी थी कि कितना ओसीआई में जाना है। तो मैं एंट्री पे आ रहा हूं। एंट्री इतने से करनी है चेंज, ओसीआई में कितना लेके जाना है? क्या ख्याल है? ओसीआई की लिमिट कैसे देखो? लोअर एंट्री का नहीं है, लोअर रिजर्व का बैलेंस है। ये रिजर्व का बैलेंस है जो इन दोनों में से लोअर है। बैलेंस का फैसला हो गया। अब में से मैंने कितना ओसीआई में क्रेडिट करना है, इनका डिफरेंस। एंट्री तो डिफरेंस की करनी है ना, तो मैं ओसीआई में कितना लेके जाऊं? जी, ओसीआई में मैं कितना लेके जा सकता हूं? 96। एंट्री 96 से करनी है, एंट्री इससे करनी है। ये क्यों निकाला है? इतना ओसीआई में जा सकता है लेकिन इतना लेके जाना है नहीं, एंट्री इससे करनी है। तो क्या पता चल रहा है कि सारा का सारा 64 ओसीआई में जा सकता है। अगर ये 100 होता तो 100 में से 96 ओसीआई में जाता, 4 पीएनएल में जाता। तो 30 सितंबर पे फाइनेंशियल एसेट मजीद डेबिट 64 और सारा का सारा 64। बहुत मुश्किल तो नहीं है तरीका ही। कौन सा मजमून लिखना है कि क्यों कर रहे हैं? तरीका हैंडल हो रहा है, तरीका आना चाहिए।
हेज की अकाउंटिंग हो गई पूरी, अब 30 सितंबर को मशीन ले आते हैं। 30 सितंबर को जब मशीन लाएंगे तो IS-21 मशीन पहले दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 30 सितंबर, एक्सचेंज रेट कौन सा लगेगा उस दिन वाला, तो मशीन कितने से डेबिट, IS-21 हमने मशीन खरीदी तो उस दिन वाला रेट लगेगा 222 लगेगा, 177 पैसे कितने जेब से जाएंगे क्योंकि हमने तो फॉरवर्ड किया हुआ ना, हमारे तो 200 जेब से जाएंगे, तो कैश कितने से क्रेडिट, सोलह सौ एंट्री तो आउट हो गई, ये हमने इसीलिए संभाल के रखा हुआ था, कितना बना ये वही 176 का फर्क है। रहता सवाल ये जो OCI बनाया था ये सारी जिंदगी ऐसा नहीं रहना था, इसने अल्टीमेटली P&L में आना था। अगर इस एंट्री में PPE की बजाय PPE यानी नॉन फाइनेंशियल एसेट इसकी जगह कुछ और होता तो उस कुछ और ने जब जब जितना जितना P&L को हिट करना होता OCI में कितना रखा हुआ हमने, 144 तब उतना उतना 144 P&L में जाता रहता। नहीं यार 144 नहीं है, एक मिनट पॉज करना जरा। अच्छा एक ना वो सॉरी एक एंट्री में गलती हो गई, वो मेरे पास लिंक गलत लगा हुआ था, इस एंट्री में गलती हो गई मुझसे, ये वाली इस एंट्री को दोबारा समझें। ईयर एंड पे गेन निकाला इंस्ट्रूमेंट पे, गेन निकाला आइटम पे, रिजर्व पे कितना रखना है इन दोनों में से लोअर। अच्छा ये रिजर्व हमने रखना है, मेंटेन है ये रिजर्व, फिर सेटलमेंट डेट पे आए फिर से इंस्ट्रूमेंट पे और आइटम पे गेन निकाला, रिजर्व में कितना रखना है इनमें से लोअर, ये दोनों वर्किंग हो गई। अब इसको एंट्री बनाते हैं, हमने फाइनेंशियल एसेट किसका डेबिट क्रेडिट करना है, किसके लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट में क्या इंक्रीज डिक्रीज आ रही है, ठीक है गेन आ रहा है ना, तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट होगा 64, ठीक है। हमने रिजर्व, ये बकायदा रिजर्व है जो मेंटेन करना है, इतना पहले क्रेडिट कर दिया था ना, अब हमने इस क्रेडिट बैलेंस को यहां तक बढ़ाना है, यानी ये रिजर्व की अमाउंट है, ये सिर्फ लिमिट नहीं है, ये रिजर्व की अमाउंट है। मुझसे यहां पर एक गलती हो गई थी,
हमने रिजर्व को कितना बढ़ाना है, और ये रिजर्व अकाउंट है यानी हमने इसको बढ़ा के यहां तक पहुंचाना है तो एंट्री करनी है ना फिर, तो ओसीआई में कितनी एंट्री करनी है, ये एंट्री टैली हो जाएगी। अब जो डिफरेंस है कितना, ये भी पी एंड एल में जाएगा। जी अच्छा, वो अब वो ना लिमिट वाली बात गलती हो गई थी, लिमिट नहीं है, हमने रिजर्व में इतना बैलेंस रखना है, यहां पे गलती हुई थी मुझसे, लिमिट का वर्ड हटा लेता हूं मैं, रिजर्व में इस अमाउंट तक पहुंचाना है। अब पहले उतना क्रेडिट किया था, इसको यहां तक पहुंचाना है तो और क्रेडिट करना है ना, 96 और क्रेडिट करना है, लेकिन डेबिट सिर्फ कितना करना है, तो अब जो डिफरेंस है वो पी एंड एल, तो वो जो एंट्री ये की हुई है ना, इसमें एक अमेंडमेंट कर रहा हूं, September 30, 2020 फाइनेंशियल एसेट कितना डेबिट 64, कैश फ्लो रिजर्व ओसीआई कितना क्रेडिट 96, एंट्री टैली नहीं है ना 32, यहां लाना अच्छा, इसकी भी एक रीजन है, हम अकाउंटिंग असल में किसकी कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट किसका कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का ना, ये चूंकि इंस्ट्रूमेंट वाले से कम था तो मजबूरन हम ओसीआई सिर्फ इतना रख सकते थे, जो ऊपर वाला था वो पीएनएल में डालना पड़ा। अब हमें रिजर्व में कितना रखना है, हम अकाउंटिंग भी इसी की कर रहे हैं ना, हम इतना रिजर्व रख सकते हैं ना, तो वो जो फालतू था पीएनएल में डाला था वो अब देखें रिवर्स हो गया। देखें हमने अकाउंटिंग इसकी करनी है, यानी डेबिट तो ये चलना है, मजबूरी है कि क्रेडिट क्या ओसीआई कर सकते हैं या नहीं, तो यहां पर अब हमें क्रेडिट ओसीआई करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर सकते थे, तो ओसीआई में सिर्फ इतना क्रेडिट किया, बाकी लेकिन जब हम रिजर्व में इस अमाउंट के बराबर ला सकते हैं तो एंट्री इसी की हो रही है ना, इसकी तो नहीं ना चला रहे हैं हम एंट्री, एंट्री हम इसकी कर रहे हैं, यानी इसमें जितना भी अब तक डेबिट क्रेडिट होना था वो सब ओसीआई में जा सकता है ना, तो वो जो पहले ओसीआई में नहीं जा सका था वो अब चला जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने इतनी अमाउंट फाइनेंशियल एसेट डेबिट करनी है, इसके अगेंस्ट कुछ क्रेडिट करना था ना, वो ओसीआई करना था, लेकिन हम उस वक्त ओसीआई नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे तो पीएनएल कर दिया, अब कर सकते हैं ना, तो वो जो पहले फालतू पीएनएल में डाला था अब वो रिवर्स हो गया, ये वो रिवर्स हो गया। अच्छा अब देखो फाइनेंशियल एसेट में कितना बैलेंस आ रहा, ओसीआई में कितना आ रहा 176, हमने एंट्री इसकी करनी है जो इंस्ट्रूमेंट वाला है, एज लॉन्ग एज ये इससे ज्यादा नहीं है, एज लॉन्ग है ये इससे ज्यादा नहीं है तो इसका क्रेडिट ओसीआई में जाएगा, लेकिन चूंकि यहां पर इससे ज्यादा हो गया था तो पीएनएल में डालना पड़ा, अब चूंकि वो वापस औकात में आ गया तो अब ओसीआई में जा सकता है ना, तो वो जो पिछला पीएनएल में डालना पड़ा था वो रिवर्स कर दिया ताकि ओसीआई पूरा हो जाए। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं कैलकुलेशन का तरीका बताता हूं, ये कैलकुलेट हो गया, ये ओके, क्यूम्युलेटिव गेन इंस्ट्रूमेंट पे, क्यूम्युलेटिव गेन आइटम पे,
और इनमें से लोअर रिजर्व सेटलमेंट डेट पे आ गए. क्यूम्यूलेटिव गेन इंस्ट्रूमेंट पे, क्यूम्यूलेटिव गेन आइटम पे, लोअर रिजर्व आ गया. अब जब ये काम कर लिया ना, तो आप देखते हैं कि एंट्री का क्या करना है. इनका डिफरेंस एंट्री करनी है, इसके डिफरेंस की एंट्री करनी है, और वो एंट्री अगर पूरी नहीं हो रही तो पीएनएल. ठीक है. अच्छा, अब इसमें आईएस की वर्डिंग क्या है वो पढ़ के देखें, मेरा ख्याल है अब समझ आएगी बात. अभी आखिरी एंट्री रहती है, करता हूं. आप आए पेज 3 के एंड पे, पेज 3 का एंड के कैश फ्लो हैज कहता कि, ये आईएस की वर्डिंग कॉपी की हुई है मैंने, अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो हैज. ए कह रहा है कि एक सेपरेट कंपोनेंट कैश फ्लो हैज रिजर्व के नाम से बनेगा, इज एडजस्टेड टू द लोअर ऑफ फॉलोइंग इन एब्सोल्यूट अमाउंट्स. अब ये फॉलोइंग क्या है? 1 क्यूमुलेटिव गेन लॉस ऑन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, 2 क्यूमुलेटिव गेन और लॉस ऑन हेज्ड आइटम. इनमें से लोअर एब्सोल्यूट टर्म में रिजर्व मेंटेन होगा. ठीक है, ये ए है. अब आते हैं बी पे. द गेन और लॉस ऑन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इज अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज. यानी अकाउंटिंग किसकी करनी है? जो इंस्ट्रूमेंट में गेन लॉस है, यानी 112 की अकाउंटिंग करनी है. 64 की अकाउंटिंग करनी है, ये भी ठीक है. अब ये कैसे करनी है? डेबिट हो गया, अब इसका क्रेडिट क्या करना है? नंबर 1, द पोर्शन ऑफ द गेन दैट इज डिटरमिंड टू बी एन इफेक्टिव हेज. अच्छा, अब इस इफेक्टिव हेज को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है ब्रैकेट में. ये पहली दफा था ना, तो रिजर्व 0 से 80 पे आया है, तो चेंज इन रिजर्व क्या है? 80. इसमें से जितना इस तक ऑफसेट हो रहा है, यानी 80, वो ओसीआई में जाएगा. नंबर 2, एनी रिमेनिंग वो पीएनएल में जाएगा. ब्रैकेट में लिखा है और एनी बैलेंस जो जरूरी है इस 80 को 176 तक लाने के लिए, 32 जरूरी था, वो भी पीएनएल में जाएगा. ये जो मैंने एग्जांपल बना दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी गहरी मैंने कुछ ना सवाल देखा ना किसी किताब में देखा है. यानी ये जो इतना अच्छा बने है ना सवाल, लग चुका है. अभी बीच में उलझ गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया रिजॉल्व. तो इतना कंप्रिहेंसिव सवाल है नहीं कहीं किताब के अंदर. तो आप इसी सवाल को 1, 2, 3, 4 दफा कर लेना, तो ये तबीयत साफ हो जाएगी. इस एंट्री को करने के बाद ये एंट्री हो गई थी, मशीन कितने से डेबिट? IS 21. जब मशीन पहुंचेगी उस दिन वाला रेट लगेगा. कैश हमने तो फॉरवर्ड किया, जेब से तो जाना ही 200 है कैश क्रेडिट. और फाइनेंशियल एसेट ये और ये क्रेडिट. अगली एंट्री, अगर खरीदी जाने वाली चीज कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट है, आखिरी पॉइंट है बस, खत्म कैश फ्लो है. खरीदी जाने वाली चीज अगर कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट है, नॉन फाइनेंशियल पीपी, तो वो जो रिजर्व बनाया हुआ है कितना, ये उसी की कॉस्ट में जाके डेबिट क्रेडिट हो जाएगा. अगर ये कोई नॉन फाइनेंशियल चीज है, तो एक एंट्री और होगी, और जितना भी रिजर्व में बैलेंस आ रहा है, ये उसकी कॉस्ट में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा. रूल है, रूल है.
तो कितना रिजर्व आ रहा है? 176। ये यहां से भी पता चल रहा है, रिजर्व यानी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, तो इसको मशीन में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कैश रिजर्व हो जाएगा डेबिट, $176, और मशीन हो जाएगी क्रेडिट। लेकिन अगर ये कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट नहीं है, तो फिर जब जब इस चीज ने पीएनएल में जाना है, तब तब ये रिजर्व पीएनएल में चला जाएगा। फिर से, अभी तो ये मशीन डेबिट हुई है ना, तो इसको मशीन में नेट कर दिया। लेकिन अगर ये हमने कोई मटेरियल मंगवाया होता, मशीन मंगवाई है ना, अगर कोई रॉ मटेरियल मंगवाया होता और वो प्रोडक्शन में यूज हो जाता, तो वो पीएनएल में चला जाता ना, पीएनएल में गया ना, तो ये भी उसके पीछे पीएनएल में चला जाता। अगर ये 2 साल में टूट के जाएगा, तो ये भी 2 साल में टूट के पीएनएल में जाएगा। मकसद है उसके पीछे पीएनएल में जाना। इसको कॉस्ट में क्रेडिट कर देने से क्या फायदा हुआ? अब कॉस्ट कम आएगी, डेप्रिसिएशन थोड़ी थोड़ी जाएगी, है ना। तो वो जो ओसीआई था, वो आस्ता आस्ता पीएनएल में जाना शुरू हो गया। कैसे? कम डेप्रिसिएशन की शक्ल में। तो अगर आखिरी एंट्री, अगर ये कोई पीपी वगैरह है, तो ये रिजर्व उसकी कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई पीपी वगैरह नहीं है, तो जब जब इस चीज ने पीएनएल में जाना है, तब तब वो रिजर्व भी पीएनएल को ट्रांसफर होता जाएगा। अभी तो चूंकि पीपी था ना, तो अभी हमने इसको खत्म करके कॉस्ट का हिस्सा बना दिया, रिजर्व खत्म। अब नहीं रिजर्व ने पीएनएल में जाना। अगर ये मशीन ना होती, तो फिर ये चीज, जो भी चीज होती, इन्वेंट्री होती, जब इन्वेंट्री पीएनएल में जाती ना, उस वक्त ये पीएनएल में चला जाता। ये पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ, सी के 1 में लिखा हुआ है, नहीं बल्कि इन्वेंट्री भी इसी की मिसाल थी, इन्वेंट्री नहीं, कोई और फ्यूल वगैरह होता। ये जो सी लिखा हुआ है ना नीचे, इसका 1 वो है जो मैंने अभी किया है, 2 वो है जो मैंने जबानी बोला है, और उस 2 के लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 बनाया हुआ है। ये पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 देख लीजिएगा। ये एंट्री क्या की आखिरी मैंने, चूंकि ये एक नॉन फाइनेंशियल एसेट था, तो जो रिजर्व में बैलेंस आ रहा था, वो इसी की कॉस्ट में एडजस्ट कर दिया। आखिरी एंट्री 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कॉस्ट कितनी है मशीन की? 776 माइनस 176, ये माइनस हो गया ना, 10 साल इंटू 3 महीने, इसी सवाल को, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 को, इसी को अच्छी तरह 2-3 दफा कर लें, 5 दफा कर लें। कैश फ्लो है चाहिए। ये जो पास में टेस्ट हुआ हुआ, वो आपको बता देता हूं, जो इससे पिछले कुछ पेपर हैं, जैसे 15 दिसंबर क्वेश्चन नंबर 6, इससे हल्का सवाल है, उसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से की हुई, लेकिन आप ऐसे ही वर्किंग कर लेना, तो वो इसी के ऊपर बना हुआ, मशीन खरीदने पे बना हुआ है। 15 दिसंबर क्वेश्चन नंबर 6, ये होमवर्क कर लेना। ठीक है, अच्छा, एक हो गया फेयर वैल्यू हेज, ये हो गया कैश फ्लो हेज। एक हेज है हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन,
आखिरी पेज पे आखिरी चीज, इसके बारे में आईएससी कहता है कि ये वैसे ही है जैसे कैश फ्लो हेज को डील करते हैं, और नीचे अंग्रेजी भी वही लिखी हुई है। इसका क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल कोई सवाल भी नहीं है, कोई एग्जांपल भी नहीं है कहीं, और इसके ऊपर एक इफ्रिक भी बना हुआ है, इफ्रिक 16। इफ्रिक 16 जो है ना वो बस पढ़ने से ताल्लुक रखता है, आपने उसको आईकेप की बुक से नहीं पढ़ना। आईकेप की बुक ने समराइज किया है लेकिन मिसाल अजीब सी बना दी है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप ओरिजिनल इफ्रिक से पढ़ना। जिनके पास स्टैंडर्ड नहीं है तो मैंने वो इफ्रिक 16 भी अपलोड कर दिया, कर दूंगा, आप वहां से पढ़ना। उसमें एक एप्लीकेशन गाइडेंस है, उसने ना एक बड़ी डिटेल मिसाल एक्सप्लेन की भी है मोस्टली वो थ्योरेटिकल चीज ही, यानी उसका न्यूमेरिकल नहीं, टेस्ट भी नहीं कभी हुआ, उसको सवाल भी नहीं बना हुआ, यानी इस पर कोई सवाल ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो आप वो एग्जाम्पल पढ़ के देखिएगा, जितनी को समझ आ जाए उस पर सबर शुक्र कर लेना। है क्या है ये कि एक पेरेंट है, उसकी फलानी भी सब्सिडरी है, फलानी भी सब्सिडरी है, वहां भी फॉरेन करेंसी, वहां भी फॉरेन करेंसी, तो वो उनमें किस तरह से हेजिंग मैनेज करे। वो अपनी सब्सिडरीज में जो उसका पैसा फंसा हुआ है उसकी भी तो हेजिंग कर सकता है ना, क्योंकि फॉरेन सब्सिडरीज हैं, तो वो इनको कैसे मैनेज करे। फलाने का पैसा फलाने के साथ लिंक कर ले, फलाने के लिए फॉरवर्ड कर ले, फलाने के लिए कुछ और कर ले, ये ग्रुप की एक मैनेजमेंट है। इसमें न्यूमेरिकल सवाल कोई नहीं है, यानी ये कैफियत का नाम है कि पेरेंट क्या करे, किस तरह से प्लान करे, इसके ऊपर एक डिस्कशन है। पढ़ के समझ आ गया ठीक है, नहीं तो जितना हो गया छोड़ देना उसको। इफ्रिक 16, हेजिंग खत्म, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म, बस अल्लाह हाफिज़।